हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था 23rd क्वेश्चन तक। हमने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सीरीज शुरू किया है जिसका ये सेकेंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसमें हमने जो 23 क्वेश्चन और कुछ और एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम देखा था, आप उसे देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। 24th क्वेश्चन इज अमीबाइसिस और अमीबिक डाइसेंट्री इज कॉज्ड बाय। तो इसका आंसर होगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। यहाँ पे इस वीडियो में मैंने जो है इटैलिक्स में ये नहीं लिखे हैं, तो आपने ध्यान में रखना ये चीज़ हमेशा ही कि साइंटिफिक नेम इटैलिक्स में होते हैं। 25th क्वेश्चन इज मैकेनिकल कैरियर ऑफ एंट अमीबा इज। तो कैरियर जनरली जो वेक्टर एक्ट करता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के लिए, वो जो है हाउस फ्लाइज एक्ट करती है एज अ वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन एस्केरिसिस इज कॉज्ड बाय एस्केरिस। एस्केरिस कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, प्लस वन पढ़ रखा है, ज़रा सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वाचेरिया कॉज विच डिजीज एलिफेंटेसिस। ठीक है, एलिफेंटेसिस जिसमें ह्यूमन बीइंग में जो एक लेग होती है वो एलिफेंट की लेग के जितना उसका साइज हो जाता है, इसीलिए एलिफेंट के नेम पे ही इस डिजीज का नाम पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिंगवर्म इज कॉज्ड बाय। रिंगवर्म जो एक फंगल डिजीज है, तो माइक्रोस्पोरम या ट्राइकोफाइटन जो फंजाई है वो इसको कॉज करता है, कॉजल ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज़ द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, दैट इज एडवर्ड जेनर। ठीक है, आपको पता ही है कि फर्स्ट वैक्सीन इन्होंने डिस्कवर करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सलाइवा इन आवर माउथ एक्ट एज। ठीक है, यहाँ पे एक्ट एज का लेना, एक्ट एज अ बैरियर। कौन से टाइप का बैरियर जो है वो एक्ट करता है इन ह्यूमन। ठीक है, यहाँ पे कहिए इन ह्यूमन वो कौन सा बैरियर। आपने बहुत से बैरियर देखे हैं इम्यूनिटी के लिए, जैसे कि आपके केमिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर होते हैं। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में जो सलाइवा है वो एक्ट करता है, जैसे टीयर्स हैं वो भी फिजियोलॉजिकल बैरियर में आपके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डब्ल्यूबीसी एंड न्यूट्रोफिल्स आर द काइंड ऑफ डैश बैरियर। कौन सी तरह के वो बैरियर होते हैं, तो सेलुलर काइंड ऑफ बैरियर वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट प्रोटीन कॉल्ड। वायरस से जो सेल्स इन्फेक्ट होती है वो स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन सिक्रीट करती है जिनको हम इंटरफिरॉन कहते हैं। सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और आपके वन मार्क बोर्ड क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बॉडी फर्स्ट टाइम एंटीबॉडीज बनाएगी तो कौन सा रिस्पॉन्स वो देगी। ठीक है, तो वो प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा। जब किसी भी इंडिविजुअल में पहली बार एंटीबॉडीज बनती हैं, जब वो इन्फेक्शन के कांटेक्ट में पहली बार आता है, तो वो प्राइमरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। आउट ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्सेज विच वन हैज़ हाई इंटेंसिटी फॉर एंटीबॉडी रिएक्शन। अब जब एंटीजन जिसको हम एजी लिखते हैं वो किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में एंटर करता है, तो वो क्या करता है, इनिशिएट कर देता है हमारे इम्यून सिस्टम को, जिसकी वजह से फिर क्या प्रोड्यूस होती हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। उनको हम ऐसे लिख देते हैं या फिर आईजी, क्योंकि उनका अदर नेम क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन है। फिर इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है जिसको हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बोलते हैं। अगर एंटीबॉडीज विन कर गई तो क्या होगा, हमारी बॉडी सेव हो जाएगी, और अगर एंटीजन विन कर गया इस रिएक्शन में तो क्या होगा, हमें इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेम द सेल विच प्रोड्यूसेस आर्मी ऑफ प्रोटीन्स इन आर बॉडी। तो वो सेल्स हैं बी एंड टी सेल्स। अब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है आर्मी ऑफ प्रोटीन्स, एनसीईआरटी में गिवन लाइन है आर्मी ऑफ प्रोटीन्स। तो जो आपकी एंटीबॉडीज़ होती हैं उन्हीं को आर्मी ऑफ प्रोटीन्स बोलते हैं। देखिए, एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोटीन्स से बने होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि वो क्या है, प्रोटीन्स से बने हैं, इसीलिए उनको आर्मी ऑफ प्रोटीन्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंटीबॉडीज आर क्रिएटेड इनसाइड दी। यहाँ पे आप सिक्रीटेड कर लेना,
चलो मैं दोनों ही आपको बता देती हूँ। स्क्रीट होती हैं वो ब्लड प्लाज्मा में, देखो वो पहले बनती कहाँ है, बनाती कौन है उनको, बी एन टी सेल्स है ना, तो बी एन टी सेल्स उनको बनाती हैं, और वो स्क्रीट कहाँ होती हैं, ब्लड में। ब्लड में कहाँ, ब्लड प्लाज्मा में। आपको पता है ब्लड सेल्स और ब्लड प्लाज्मा पार्ट हैं ब्लड का, तो ब्लड प्लाज्मा में वो स्क्रीट होती हैं, ठीक है, वहाँ जाके रिलीज होती हैं। नेक्स्ट, हाउ मैनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर देयर इन वन या एन एंटीबॉडी, तो फोर चेन्स होती हैं उसमें, उसमें से टू जो है हैवी चेन्स होती हैं और टू जो है लाइट चेली होती है। इसीलिए आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि जो एंटीबॉडी है वो H2L2 मॉलिक्यूल है, तो H2L2 मॉलिक्यूल का मतलब यही है कि टू हैवी चेन प्लस टू लाइट चेन जो कि फोर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड वर्ड हम प्रोटीन के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि एंटीबॉडी क्या है, एक प्रोटीन है, इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं, आर्मी ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो है प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अदर नेम ऑफ एंटीबॉडी, मैंने अभी आपको बताया इम्यूनोग्लोबुलिन, और डिनोट करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन को IgE से, क्योंकि जब हम एंटीबॉडीज के टाइप पढ़ते हैं तो हम IgA, IgG, जो भी IgM, ठीक है, DE, जो भी इसके टाइप्स हैं वो पढ़ते हैं, तो क्योंकि अदर नेम है एंटीबॉडी का इसीलिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडी जनरेटिंग केमिकल कॉल्ड एंटीजन, तो एंटीबॉडीज को जनरेट करने वाला जो केमिकल है उसे हम एंटीजन बोल देते हैं, और एंटीजन क्या होता है, एनी केमिकल, एनी फॉरेन पार्टिकल जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर दे और एंटीबॉडीज को रिलीज करे उसे एंटीजन बोलते हैं। इसके बाद दो और वीडियो रहेंगे इस चैप्टर से, और ये क्वेश्चन सारे ही एनसीईआरटी बेस्ड हैं, कुछ इसमें एडिशनल क्वेश्चंस भी होंगे, आप जैसा देख सकते हो जो एनसीईआरटी बच्चे रीड करते हैं, और एनसीईआरटी रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।